वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है और आज क्या बना रहे वो दिखाते हैं। और आज आपको दिख नहीं रहा है आयुष, क्योंकि वो घर पे नहीं है, इसलिए थोड़ा सा शांति और खाली खाली है। तो चलिए किचन की तरफ चलते हैं, क्या बना रहे वो दिखाते हैं। गाइस किचन में आ गई मैं। आज मैं बना रही हूँ रवे का मालपुए। तो इधर रवा ले लिया मैंने, इधर मैदा है थोड़ा सा, थोड़ी सी इलायची, इलायची मैंने दाना निकल के थोड़ा सा बारीक बारीक कूट लिया। इधर थोड़ा सौंफ है और मैं रवे का बना रही हूँ और मैं चीनी का बना रही हूँ। तो सबसे पहले पानी को थोड़ा गर्म चढ़ा दिया कि रवा थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाए। सबसे पहले रवा मैं माप के ले लूँगी और रवा को धो लूँगी पहले अच्छे से। तो पहले रवा को निकाल लेते हैं। तो रवा इधर बाटी में मैंने निकाल लिया, इसको प्लेट में डाल लेते हैं और इसको पहले धो लूँगी, क्योंकि कभी कभार कुछ गंदा रहता है ना तो वो साफ़ हो जाएगा। तो पहले इसको अच्छे से पानी डाल के धो लेते हैं। देखिए रवा में इस तरह से पानी डाल दिया, अब इसको धो लेंगे, पूरा पानी निकाल देंगे इसको और इसको भीगने के लिए रख देंगे 5-7 मिनट के लिए। तो रवे को मैंने अच्छे से धो लिया, थोड़ा पानी पानी है देखिए इस तरह से। अभी इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मैदा, आधा बाटी से भी कम। इसमें डाल दूंगी जो इलायची का पाउडर रखा पीस के वो, और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बड़ी सौंफ। आप लोग इस तरह से एक बार मालपुए बना कर देखना। और मैं वो वाली मालपुआ नहीं बना रही हूँ, और जो चाचनी वाचनी करके पानी में डुबो के वो नहीं, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाता है और उतना मीठा तो नहीं खाना है। तो इसीलिए मैं मेरे हिसाब से बना रही हूँ। इसमें डाल दूँगी मैं आधा बाटी जितनी चीनी, आप गुड़ का भी बना सकते हो। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसको मिक्स करके रख लेंगे थोड़ा टाइम के लिए कि रवा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए भीग के। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच नमक मैंने डाल दिया, और इसमें गरम पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ज़्यादा गरम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये भीगने के लिए, और गरम पानी थोड़ा सा ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बनने का बाद है ना ठंडा भी हो जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा और अच्छा लगेगा। तो इसको थोड़ा सा रेस्ट पे रहने देते हैं, बाद में इसको भीगने के बाद हाथ से अच्छे से जैसा हम आटा रेडी करते हैं वैसे रेडी कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा भीग के सॉफ्ट होने के लिए रख देते हैं। तो बेटर हमारा सॉफ्ट हो गया, अभी इसको थोड़ा सा हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे। आपके पास अगर दूसरा ऑप्शन है तो आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आया है रवा, एकदम सॉफ्ट हो गया। अभी इसमें जो मैं थोड़ी सी सूखा हुआ नारियल मैंने ग्रेट करके रखा ये मैं डाल दूँगी। नारियल डालने से ये थोड़ा और टेस्टी बनेगा और अच्छा लगेगा। तो अच्छे से मिक्स हो गया, अभी कढ़ाई में तेल डाल के इसको गरम कर लेते हैं। तो भाई से बैटर हमारा एकदम रेडी है, आटा एकदम अच्छे से सेट हो गया, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और इधर कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया। अभी हम अपने मालपुए बना लेंगे। तो थोड़ा सा पहले तेल को थोड़ा सा गर्म करके फिर डालते टाइम थोड़ा सा गैस को स्लो ही रख देंगे, और उसके बाद एक एक करके सारा बना लेंगे। देखिए मालपुए हमारा कितने अच्छे से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बिल्कुल, क्या मस्त बना है। इस तरह से ना आप कभी भी ट्राई करेंगे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और फिर ये मीठा ऑलरेडी है और दोबारा से अलग से मीठा मीठा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया, इसको निकाल लेते हैं, दूसरे में अच्छे से बना लेंगे।
एकदम बहुत सुंदर लग रहा है। पहले मैं सारा रेडी कर लेती। तो गाइस आज मैंने बनाया रवे का मालपुआ। इसके तो सब अलग अलग नाम बोलते हैं, कोई मालपुए बोलते हैं, कोई मीठी पूरी बोलते हैं, कोई रवा पूरी बोलते हैं, अभी पता नहीं कौन क्या बोलते हैं। तो आज मैंने ये बनाया, देखने में तो एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। ये मेरा आयुष को बहुत ज़्यादा पसंद है, कितना सॉफ्ट है ये, एकदम सुपर। टेस्ट करके देखते पहले। और वो जो दूसरी मालपुआ होता ना, वो चीनी के चाशनी में डालते हैं, उतना मीठा तो मैं नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद, पर ये ठीक है, ये मेरा आयुष को बहुत ज्यादा पसंद है। तो गाइस आप लोगों को अगर हमारा ये रवे का मालपुआ अच्छा लगा रेसिपी, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और एक चीज, नवरात्रि शुरू हो गया, तो आप सभी को नवरात्रि का बहुत सारे शुभकामनाएं। माता रानी सबको अच्छा रहते, सबके इच्छा पूरी करें। चलिए बाय, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ।